गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये काफ़ी देर नौ के बाद में दिखे, तो थोड़ा काम था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे और ना भेज पा रहे थे। तो आज हम सुबह सुबह हमारे देवी पे जा रहे हैं। तो वैसे पूरा परिवार नहीं जा रहा क्योंकि बड़ा वाला बेटे की एग्ज़ाम है, तो इसलिए उसे घर छोड़ के आए और छोटा वाला बेटा साथ में जा रहा है। तो ये हमारी बॉर्डर, हमारे घर के उधर की बॉर्डर है क्योंकि हमने शुरू से उधर से चालू नहीं की थी। आगे से जो भी वीडियो बनी हम बता रहे हैं आपको। तो ये हमारे गांव का है पूरा सीन। इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। वैसे ज़्यादातर पहाड़ देखने को राजस्थान में ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि राजस्थान में बहुत पहाड़ है। पहाड़ को यहाँ डोंगर बोलते हैं, डोंगर है। तो बेटा आगे बैठा था, वो तो वही बना रहा था, तो बोल रहा था देखो टेम्पू में भी ऊपर बैठ के जा रहे हैं और उस पे भी सेल्फी लेके जा रहे हैं। किसी की कार खराब होगी दोस्तों। रास्ता बहुत लंबा है पर ये है कि रास्ता अब अच्छा बन गया है और काफ़ी, मतलब ये पहले ऊबड़ खाबड़ था और पूरा खुदा हुआ पड़ा था। तो बेटे से पूछ रही थी आज कहाँ जा रहे हैं, तो बोल रहा था कैला देवी जा रहे हैं और उसने आगे का बोर्ड भी बताया था कैला देवी का। इधर इस जगह पे ज़्यादातर ये डंफर ज़्यादा चलते हैं क्योंकि डंफरों का, मतलब ये पत्थरों का काम इधर से ज़्यादा होता है। अब हम पहुँच चुके हैं छोटी देवी पे। तो कह रहे हो काट बाड़ी रखो ना, पूरी तो ऐसी यार मत ले, तो मत ले इसमें ये पूरी का, ये इतने का रखी है ये यहाँ पानी वाले खाए अरे चप्पल नहीं खोल रहा है यहाँ पर ना दुकान पे। मामा अंदर नहीं ले जाएंगे मेरे हस्बैंड हैं, उनके पापा अभी इधर दीपक जलाएंगे क्योंकि अंदर दीपक नहीं जलाते, बाहर ही दीपक जलाते। तो ये दीपक जला रहे पूरी से और हम यहाँ पर ही खड़े हैं, अभी साथ में अंदर जाएंगे। जैसे पहली बार आई हूँ इतने बड़े मेले में, कभी मैं मेले में नहीं गई थी। यहाँ वैसे दूर दूर के लोग आते हैं देवियों के, क्योंकि बहुत मानता है हमारे केला देवी की। तो हमारे केला देवी के ऊपर तो मूवी भी बनी है, आपको अगर मूवी देखनी हो तो केला मैया के नाम से सर्च कर लेना। पूरा उसका, हमारे राजस्थान का पूरा वो दिखाएंगे उसमें।
अब हम अंदर जा रहे हैं। तो इतनी भीड़ थी यहाँ पर, तो फिर भी कम थी भीड़, पर जो बड़ी देवी है उन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर दर्शन होना भी मुश्किल हो गया था, पर बोलते हैं ना जब देवी बुलाती है तो दर्शन अपने आप ही करा देती है। पर इसमें ये गलत बात है क्योंकि वो बोलते हैं ना वीआईपी का अलग, गरीब का अलग। इसमें सिस्टम ये बेकार लगता है कि मंदिरों में भी ये चीज़ों का वो करते हैं भेदभाव। नहीं, मंदिरों में तो सबको एक समान मानना चाहिए। मंदिरों में भी इस चीज़ का मतलब और लोगों को अंदर जाने देते हैं और किसी को अंदर नहीं घुसने देते। तो यहाँ पंडित जी तिलक लगा रहे हैं। हमने तिलक लगा लिया था, बच्चे ने भी लगा लिया, उनके पापा तो पहले ही लगवा लिए थे कहीं पे। तो कितना धूम मस्ती है, देखो कितना अच्छा लगता है देवियों पे। कितनी रौनक है। छोटे वाले बैठे के हाथ ही नहीं आ रहा, वो लग रहा है। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम दूसरी देवी के लिए निकल रहे हैं। तो अब दूसरी देवी पे भी आ गए थे। देखो दोस्तों कितनी भीड़ है, ये मान लो बहुत, अंदर घुसने की भी जगह नहीं थी और जो बच्चे लेके गए उनकी तो बुरी हालत होगी। और जैसा मतलब तिरुपति बालाजी पे घुमाव पड़ते हैं, ऐसे ही देवियों पे घुमाव पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही तिरुपति बालाजी में भी ऐसे ही जाने देते हैं। पहले ऐसा नहीं था पर अब हर जगह ऐसे ही बना दिए हैं। तो यहाँ हमारी वो देखो सबका मुंह ऐसा ही हो गया क्योंकि बहुत भीड़ थी ना, उसमें इधर उधर निकलने को हो नहीं रहा था। बेटे को भी पहली बार लेके गई हूँ और मैं भी पहली बार गई थी, ऐसी भीड़ में कभी भी मैं जा गई नहीं हूँ। और उधर मैंने एक चीज़ देखी थी कि बहुत बड़ा पंखा था, तो मैंने पहली बार बड़ा पंखा देखा था, तो मैंने सोचा इसे भी इसमें सूट कर लेते हैं। छोटा वाला बेटा बोल रहा था मम्मी आप बनाओ। तो चलो अब फाइनली हम देवी के सामने पहुंच चुके हैं, बहुत फिरकम्मा लगा के। सामने के गेट पे आ चुके हैं, देखो कितना अच्छा सज रहा है मंदिर। अंदर इसमें दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना दोस्तों। इतनी भीड़ थी, कभी मेले में मैं इतनी भीड़, मतलब नॉर्मल हम कभी भी जाते हैं दर्शन करने तो इतनी भीड़ नहीं रहती। तो इतना जाम लग चुका था, देखो हम शुरू से मंदिर के वहाँ से मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी, तो इतना लंबा जाम था कि निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे जगह जगह पुलिस लगी हुई थी, पन ये है कि हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। और कभी आप भी आओ और दर्शन करना, देवी माँ सबकी
मनोकामना पूरी करती है। बने रहें हमारे वीडियो के साथ, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।